सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल यूके 01 बाइकर में एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो यार संडे के दिन तो सोचा मैं घर पे क्या करूँ। 12 बजे करीब समथिंग हुई, 12:30 बजे भी उठा मैं। तो फिर नाश्ता वास्ता करके मैंने सोचा ब्लॉग बनाऊँ क्या करूँ। तो मैं सोचा निकल जाता हूँ बिनसर फॉरेस्ट को। तो भैया बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पर मेन गेट है वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। मेरे घर के समथिंग थोड़ा सा दूर पर ही है, तो पहुँचता हूँ वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ बढ़िया करके। ठीक है, तब तक के लिए बने रहो चैनल पे। और साथ में हमारी हमारी धन्नो है आज एवेंजर, जो आपने मेरी ऋषिकेश वाली राइड पे देखी होगी। भैया कुछ अपने यहाँ का मौसम भी ये इस प्रकार है, आप चेक कर सकते हो। तो फाइनली भैया अभी मैं पहुंचने वाला हूँ बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, जहाँ पर जहाँ से अपना स्टार्ट होता है बिनसर। तो भैया ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, आप चेक कर सकते हो। ये चेक करो भैया, ये है पूरा बिनसर। देखो बिनसर वन्य जीव विहार में प्लास्टिक का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। तो भैया ये चेक कर सकते हो आप। तो भैया फाइनली यहाँ पे है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भैया ये है अभी बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो गेट है यहाँ पर, जो आप रसीद कटती है ऊपर पर रसीद कटती है, जो चार्ज पड़ता है ऊपर जाने का 150 पर हेड। अभी 250 कार जो हमारे चाचा जी चाचा है, चाचा आपको पूरी डिटेल बताएंगे इस बारे में। आज यहाँ से 10 किलोमीटर रोड जाती है विंसर के लिए, विंसर के लिए वहाँ से आप जाते 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 नेचर वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, जंगल ट्रैक कर सकते हैं, हिमालय घर तक से दूर पहुँच जाती है। 10 किलोमीटर जाने के बाद आपको 2 किलोमीटर नेचर में वॉक करने के लिए जाना पड़ेगा। बहुत ईजी वॉक है, चलिए सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हैं, नेचर का मजा लेते हो, इन्जॉय करते हो, नेचर का बेस्ट पार्ट। और यहाँ पर जो नेचर लवर होते हैं उनके लिए तो ये मिनी कश्मीर कह सकते तो बुरा नहीं होगा। बाकी हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिल सकते हैं सर? लेपर्ड हो गया, बार्किंग डियर हो गया, हॉक डियर हो गया, और पॉपी पाइन हो गया, और कहते थे कि 90 के दशक में यहाँ पर ब्लैक बियर भी होता था, पर मैंने तो अभी तक नहीं देखा। और लेपर तो सुबह शाम मॉर्निंग में मेरे खेतों में ऐसे ही सुबह से गुड मॉर्निंग सुरेंद्र कहने आ जाता है, देखते रहता हूँ शाम को, लगता है कभी मुठभेड़ भी हो जाती है हमने सामने, आंखें दिखा के चल देता है, कभी भी देख सकता है कहीं पर भी देख सकता है, जंगल में तो वैसे कर आ जाए भाई बिल्कुल। और जो आपके पीछे बिनसर नेचर गिफ्ट शॉप है, इसके अंदर हमें क्या क्या सामान देखने को खरीदने को मिल सकता है? यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट मिलते हैं, नेचुरल शॉप सोप होते हैं, हेलमेट टॉले होते हैं, स्टोल होता है, स्कार्फ होते हैं, मफलर होते हैं, हनी होता है, पिकल होते हैं, जैम होते हैं, और हर्बल टीज होते हैं, एनिमो वैक्सीन। तो उनका प्राइस किस किस प्रकार रह सकता है? मिनिमम 160 रुपये से लेके 3000 समथिंग तक मैक्सिमम। चलो बढ़िया। और अभी आप हमें कुछ और बताओगे यहाँ के बारे में? बस इतना ही नेचर वाले। तो बाकी हमारे भटजी हैं यहाँ पर अभी। भटजी कहाँ के? भटजी कुछ बोलने के मूड में नहीं है। तो भटजी आपको कितना टाइम हो गया इधर पे? मुझे यही समथिंग हो गया। आप यहाँ को देख के बोलिए ना, ये कैमरे के साइड देख के। 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गया आपको इधर पे। तो अभी कैसा चल रही है आपकी दिनचर्या यहाँ? बढ़िया। तो गाँव से मतलब गाँव में अच्छा लगता है आपको, यहाँ अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो मतलब यहाँ कुछ बताइए यहाँ के बारे में, बिनसर के बारे में। आपको 12-13 साल का अनुभव हो चुका है। बिनसर के बारे में आगे आपको सुंदर सिंह भोजी बताएंगे। उन्होंने तो उन्होंने बता दिया, अभी आप बताइए कुछ। सेम तो यही दो चीज उन्होंने बताया, वही जैसे कि कोई बाहर का बंदा अगर यहाँ आता है, आप फॉरेस्ट पे यहाँ डिपार्टमेंट पे कार्यरत हो ना, तो कोई बाहर का बंदा आता है तो उनको मतलब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अंदर जाने के लिए? बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और फायर सीजन में आगे तक नहीं जलानी चाहिए, अपने साथ वॉकिंग स्टिक लाना चाहिए, स्टैंडर्ड जूते लाने चाहिए, हो सके तो पानी की बोतल होनी चाहिए बिल्कुल, और जूते आपके ग्रिप्स वाले होने चाहिए ट्रैकिंग के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए हाई क्वालिटी के लेंस होने चाहिए। यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं 240 स्पीसीज 240
स्पीशीज समथिंग बर्ड्स हिमालयन बर्ड्स बोलते हैं, वो रेयर बर्ड्स होती है। और जैसे कि भरतपुर जैसे सेंचुरी तो है नहीं, वहाँ भूर 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 करके बर्ड्स आएंगे, हम फोटोग्राफी करेंगे, यहाँ पर ढूंढने ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, उनके पॉइंट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे उठ के सुबह को उनकी शूटिंग करनी पड़ेगी, नेचर में इंजॉय करना पड़ेगा, उसके लिए हाई क्वालिटी के लेंस चाहिए होते हैं, और तब जाके यहाँ पर बर्ड वॉचिंग होती है। बर्ड वॉचिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। फिलहाल भट जी यहाँ से कुछ जाते हुए आगे को, भट जी कुछ सोच रहे हैं, अभी सोच विचार कर रहे हैं, अभी अभी आपको दिखाते हैं ऊपर जो पूरा जो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सेंचुरी के जो पूरे घर बने पड़े हैं, गेस्ट बने पड़े हैं, आपको दिखाते हैं अच्छे से। अगर आप मेरे से स्पेशल बर्ड वॉचिंग के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपको 500 पर आवर के हिसाब से चार्ज करूँगा। उसमें आपको नेचर ट्रेल के साथ 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बिंसर टू धौलचीना, धौलचीना टू जागेश्वर, जागेश्वर टू अल्मोड़ा, अल्मोड़ा टू कटार सूर्य मंदिर मंदिर कटारमल टेम्पल, गणना टैंक ट्रैकिंग, बिंसर टू मऊली खान ट्रैकिंग एक ट्रेल है बहुत अच्छा, उसको 14 किलोमीटर ट्रेल है, उसमें सारा कुछ हो सकता है, बर्ड वॉचिंग, जंगल ट्रैक और लेपर्ड आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, जानवर डियर वियर सारा कुछ। वो 14 किलोमीटर का ट्रैक है, बस इसके लिए आपको 500 पर आवर के हिसाब से चार्ज होगा, और अगर वीडियो के माध्यम से आओगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमको इसी तरह इन पर प्रमोट करें। तो फाइनली भैया ये अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो यहाँ पर मेन आपको दिखेगा यह है स्वागत कक्ष, और हमारे साथ हमारे निक्कू भाई चल रहे हैं जो अभी यहीं विंसर फॉरेस्ट में कार्यरत हैं गवर्नमेंट जॉब पे, इन्होंने आर्मी की जॉब छोड़ के इधर ही आ चुके हैं। तो भैया ये है प्योरीफाई जिसमें बचपन से देखे आ रहा हूँ, अभी तक ऐसा ही है एक्को गार्ड का, बाकी इधर के रूम कुछ इस प्रकार हैं। भाई कह रहे हैं कुछ मेन चीज़ भूल चुका है, ये देखो भाई ये है इधर का मैप, ठीक है, तो इस प्रकार कुछ मैप है, आपको मैप में दिख रहा होगा, ये देखिए मौली खान बहुत चीज़ आपको एकदम ऊपर 0 पॉइंट है वहाँ से देखो देखने को मिलेगा आप लोग को। देखो भाई कुछ बता सकते हो इसके बारे में? तो भैया ये है यहाँ रिसेप्शन कक्ष इधर का, ठीक है, और यहाँ अंदर कंप्यूटर था जहाँ बचपन में हम मूवी देखा करते थे। तो भैया इस यहाँ से कुछ व्यू यहाँ का इस प्रकार आता है देखने को, और देखो सामने दीवार पर इतनी अच्छी पेंटिंग वेंटिंग बनाई गई है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और सामने जो यहाँ पर है, यहाँ पर है जो कक्ष है जहाँ से आपकी रसीद कटेगी, ऊपर जाकर टिकट कटेगा है मौली साहू। तो भैया ये है वही जगह जहाँ हम बचपन में खेला करते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बचपन कुछ ज़्यादा सारा का सारा बचपन मेरा यहीं बीता हुआ है, मैं हो गया, दीपू हो गया, सोनू भाई और खोलिया कमल और उनके बड़े भाई रिंकू, उनकी फैमिली पूरी यही रहती थी, तो हमने बचपन यहीं काटा है पूरा, खूब सारी मस्तियाँ करी इधर काफ़ी, मतलब यही वो रास्ते। तो भैया आज यही गलियाँ हुई चौबारे, तो इसी प्रकार कुछ हमारा बचपन यहाँ कटा है। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ इधर, मैंने कहा आज का यहीं का व्लॉग दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। या जो ये नीचे आपको रोड दिख रही होगी मेन हाईवे ये, और ये जो रोड है ना ये है अल्मोड़ा से, आपको पड़ेगा अभी ले आपको गिफ्ट शॉप के अंदर ले जाते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली जो ये रोड है भाई अल्मोड़ा से आपको अल्मोड़ा से 20-25 किलोमीटर दूरी पर आपको पड़ेगा विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मेन यहाँ पर गेट पड़ेगा, यहाँ से आपको 11 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा सड़क बाई रोड, और उसके बाद 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का ट्रैक होगा 0 पॉइंट के लिए। देखो आप गाड़ी जा रही है, अभी नहीं मिल रही, यहाँ से गाड़ी नहीं जा रही है ऊपर को, सर जी भट जी ने हमारा गेट खोल दिया है, देखो गाड़ियाँ गई ऊपर को। भाई यहाँ पर लिखा है विंसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा, तो यहाँ पर इसका गेट बना पड़ा है, और यहाँ पर सामने से छोटी बड़ी हल्की आ, और यह है पंजीकरण कक्ष रजिस्ट्रेशन, यहाँ ऊपर जाने के लिए आपको भाई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के आप ऊपर नहीं जा सकते, जिसमें देखो भारतीय पर्यटक 150 रुपया, और विदेशी पर्यटक कोई फॉरनर उसके लिए 600, जो स्टूडेंट है भारतीय इंडियन 75, और विदेशी के लिए 300 रुपया, वैसे जो बड़े वाहन हैं उनके लिए 800, मध्यम वाहन के लिए 500, छोटा वाहन 250 रुपया, ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इसके बाद आप जा सकते हो ऊपर को। जा रहे हैं अब निकल, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो? विंसर नेचर गिफ्ट शॉप, जिसके ऑनर हैं हमारे बड़े भाई, हमारे चाचू,
भोजी, सुरेंद्र सिंह भोजी। तो अभी आगे थोड़ा दुकान के बारे में बताएंगे हमें अंदर जाके। अभी इन्होंने आपके वीडियो में देखा होगा, इन्होंने डिस्क्राइब किया था, लेकिन अभी आपको इनके दिखा के पूरा। तो भैया ये है हमारे शॉप के अंदर, दिखा सकते हो। और ऊपर देखो पेंटिंग बनी पड़ी है, इसे अपना ट्रेडिशनल आर्ट बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल आर्ट कुमाऊं का, कुमाऊं का ट्रेडिशनल आर्ट बोलते हैं। तो पीछे है बिस्लरी की बोतल, इसको चावल के साथ जिसको पहाड़ी में बिस्वार बोलते हैं, बिस्वार से बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, हां बिस्वार बोलते हैं। गाना आप गाना बहुत अच्छे गाते हो, बोल एक गाना हो जाए। चल हैंडमेड स्टॉल है, स्टॉल है, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे जो प्रोडक्ट पड़े पड़े हैं इनके बारे में कुछ बताओगे आप हमें? हर्बल टी है, क्रीम है, ऑयल है, सोप है, हर्बल टी बैग्स है, सब कुछ। तो भैया अब आइए और यहाँ से परचेस कीजिए। यह है फाइन पाइन कॉइन, जैसे पहाड़ी में बोलते हैं ठिठे, ठिठ कहते हैं इसको पहाड़ी में। भैया यहाँ पर डे की आपकी कम से कम 15-20 गाड़ियों से ऊपर यहाँ ऊपर जाती होंगी, 15-20 गाड़ियाँ से, मतलब लगा लो कितने परसेंट ऊपर टूरिस्ट, कितना ऊपर टूरिस्ट जाता होगा। मैंने अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई, इनोवा खड़ी है, पीछे स्विफ्ट खड़ी है, और जब आप 10-15 मिनट आए हुए हो रहे हैं, इतने में ही मतलब 3-4 गाड़ी से ऊपर चली चुकी हैं। तो पर डे के हिसाब से 15-20 तो मैं कमी कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा गाड़ी भी हो सकती है, 40-50 गाड़ी जाती है कम से कम ऊपर फॉरेस्ट। और आजकल गर्मियों के दिनों तो बहुत जाता है भाई, गर्मियों के दिनों पर यह है क्योंकि ऊपर जो है ना क्लाइमेट काफ़ी ठंडा है यहाँ के मुताबिक, क्यों चाचा ऊपर मौसम काफ़ी ठंडा है ना, इसलिए बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा मौसम। और जो पेड़ है, अभी जो हम बैठे हैं यहाँ पर 6000 फीट की हाइट पर बैठे हैं, 6000 फीट की हाइट पर बैठे हैं, पाइन फॉरेस्ट के अंदर में जो जरा हॉट होता है, अगर हम जैसे जैसे 2 किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो सारा नेचर ब्यूटी बदल जाएगी और टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, वेदर क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे करके। और 10 किलोमीटर के बाद हम जैसे 10 किलोमीटर जोर से चलेंगे तो 2000 फीट ऊपर चले जाएंगे, 8000 फीट की हाइट, 8000 फीट। फाइनली भैया मैं अभी घर पहुंच चुका हूं। और तो बताओ आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, पिंसर के बारे में जानकारी जो आपको कैसी लगी। बाकी चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंतज़ार करो नए ब्लॉग का। तब तक के लिए बाय बाय।